नमस्कार दोस्तों, रेज किसन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इकोनॉमिक्स के इस विशेष लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग आर्थिक मापन के बारे में अध्ययन करेंगे कि आर्थिक विकास को किस तरीके से मापा जा सकता है। इसके पूर्व में हम लोगों ने जो है आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि के अवधारणा को, इसके बाद के लेक्चर में हम लोगों ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक और अल्प विकास के कारण को देखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्थिक विकास को किस तरीके से मापा जा सकता है और इसके लिए जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके के दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं उसको समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो आर्थिक विकास को मापने के कई दृष्टिकोण और संकेतक हो सकते हैं, इसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संकेतक है जिसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला जो महत्वपूर्ण है वो मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यहाँ से जो है अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी जो सूचकांकों को समझना जो है आवश्यक है कि मानव विकास सूचकांक जो है विकास के माप का एक जो है व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण है। इसके माध्यम से परिमाणात्मक स्तर पर नहीं बल्कि गुणात्मक स्तर पर विकास को मापने का प्रयास किया जाता है। जैसे किसी देश की अगर GDP और प्रति व्यक्ति आय है तो ये मानव विकास सूचकांक नहीं है, क्योंकि यह जो है परिमाणात्मक है, बल्कि हम जो है इसके अंतर्गत गुणात्मक स्तर पर जो है मानव विकास को मापने का प्रयास करते हैं। गुणात्मक स्तर में किसी व्यक्ति के जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसी पे आधारित आपका मानव विकास सूचकांक है। कहने का तात्पर्य है कि मानव विकास सूचकांक एक जो गुणात्मक जो सूचकांक है, इसके अंतर्गत जो है मानव विकास सूचकांक को 1990 से जो है UNDP के द्वारा जारी किया जा रहा है, यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 से UNDP के द्वारा इसे जो है जारी किया जाता है। और इसका विकास जो है पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा जो है विकसित किया गया था। महबूबुल हक के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया। यह भी सवाल कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछा गया, वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और उन्हीं के बाद जो 1990 से जो है UNDP के द्वारा विकास को जो है मापने के इस गुणात्मक जो है मानदंड का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक में तीन जो है चरों को जो है सम्मिलित किया जाता है। एक तो यहाँ पे जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा, और दूसरा है साक्षरता। अब इसमें दो चीजें हैं, स्कूल के औसत वर्ष और स्कूल के जो है अनुमानित वर्ष, इन दोनों को जो है सम्मिलित किया जाता है। बाद में एकदम पहले जो है इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा साक्षरता को सम्मिलित किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया कि स्कूली अवधि के जो है अनुमानित वर्ष और स्कूली अवधि के जो है औसत वर्ष को लिया जाता है। तीसरा इसमें है क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी PPP जिसको कहा जाता है, PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इनके आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक निकाले जाते हैं। और मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र ये होता है कि वास्तविक माइनस न्यूनतम, ये बहुत बेसिक सूत्र है इसलिए ध्यान में होना चाहिए, वास्तविक माइनस न्यूनतम बटे जो है अधिकतम माइनस न्यूनतम, कहने का तात्पर्य है कि यह ऊपर वाला हमेशा जो है नीचे का अपेक्षा कम होता है, या जो है बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि यह अधिकतम जो है वही वास्तविक किसी देश का हो सकता है। मान लीजिए कोई भी देश जो है अगर यूनिट में किसी चीज को मापा जाए तो 100 यूनिट है, अधिकतम 100 यूनिट, जिस देश का अधिकतम होगा वही नीचे लिख दिया जाएगा और उसी देश का वास्तविक भी जो है उसी के अधिकतम के बराबर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अधिकतम माइनस न्यूनतम और वास्तविक माइनस न्यूनतम के अनुपात को ही जो है मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। यह हमेशा जो है 0 से 1 के बीच में इसका मूल्य होता है, और जो देश 1 के जितने नजदीक होता है उतनी ही अच्छी मानव विकास सूचकांक उसकी होती है।
तो ये देखा हमने मानव विकास सूचकांक एक सामान्य परिचय, इसमें तीन चरों को सम्मिलित किया जाता है, कैसे ये निकाला जाता है, इसका मूल्य कितने से कितने के बीच में होता है, जीरो से एक के बीच में इसका मूल्य होता है, और जो देश एक के जितने नजदीक होता है उतनी ही अच्छी उसमें मानव विकास सूचकांक के स्तर को माना जाता है। अब ये शून्य से लेकर के एक के बीच में अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति हो सकती है, इसी आधार पर तीन प्रकार के जो है श्रेणी बनाई गई है मानव विकास सूचकांक के देशों की, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। अब इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसमें जो है 0.8 या इससे ऊपर के देशों को सम्मिलित किया जाता है, और यहाँ पे जो है 0.5 से लेकर के 0.079 तक देख लिया जाता है, और 0.5 से कम का मतलब ये हो गया कि 5 अगर है वो इसी में हो जाएगा, अगर इससे कम होगा तो नीचे होगा। तो ये तीन प्रकार की जो है श्रेणियां यहाँ पे बनाई गई हैं, और भारत की स्थिति इसमें जो है मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आवश्यक है, ये अगर डेटा बहुत स्पष्ट नहीं याद है तो भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि तीन प्रकार के स्थिति वाले देशों का स्तर बनता है, और इसमें भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जो सम्मिलित होता है, निम्न में ज्यादातर जो है अफ्रीकन कंट्री के देश हैं, और उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के देशों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से मानव विकास सूचकांक के बारे में हम लोगों ने एक सामान्य परिचय देखा कि यह किस तरीके का जो सूचकांक है, इसे कौन बनाता है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, इसमें कौन कौन से चरों को सम्मिलित किया जाता है, इसको निकालने के क्या सूत्र हैं, इसके मूल्य किसके बीच में होता है, और इन मूल्यों के आधार पर कितने श्रेणी के देश हो सकते हैं। तो मानव विकास सूचकांक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमी का, और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको व्यापक संदर्भों में हम लोग समझने का जो प्रयास कर रहे हैं। 2010 ईस्वी में जो है 2010 ईस्वी में कुछ और संकेतकों का जो प्रयोग जो है बढ़ा, इसमें जो है असमानता प्रभाव, इसको भी शामिल किया गया कि लोगों के बीच में किस तरीके से जो है असमानताएं जो है विद्यमान होती हैं, लैंगिक असमानता, और तीसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये जो है इसमें तीन जो है और संकेतकों का प्रयोग किया गया। बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है, ये सबसे पहली बार 1997 ईस्वी में जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स MPI के रूप में जो है जारी किया गया। इसे ये कहा गया 1997 ईस्वी में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और ये 2010 ईस्वी में आकर के क्या हो गया, 2010 ईस्वी में इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI HPI से ये जो MPI बन गया। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI यानी कि जो मानव गरीबी सूचकांक 1997 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, इसको व्यापक आधार देने के लिए 2010 ईस्वी को इसको MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक बना दिया गया, जिसमें 10 चर सम्मिलित होते हैं, और इन 10 चरों में जो है ये माना जाता है कि अगर कोई भी देश जो है या कोई भी व्यक्ति 33% से भी जो है कम मानकों को पूरा करता है तो वह व्यक्ति जो है वो गरीब देश लोगों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। तो व्यक्ति अगर 33% से ऊपर है तो वह जो है उसी तरीके से मध्यम और ऊपर है तो जो उच्च, लेकिन 33% से नीचे आता है तो वो गरीबी के श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। ये होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आज की डेट में जो है
व्यक्ति के जीवन स्तर को मापने के लिए बहुत ही उपयुक्त मानदंड है, क्योंकि इसके पूर्व में जो भी या बाद में जो भी बनाए गए उसमें कम चर सम्मिलित थे, इसलिए कम पहलुओं का जो है आकलन हो सकता था। और किसी भी व्यक्ति को मापने के लिए, किसी व्यक्ति के स्तर, जीवन स्तर और आर्थिक विकास या मानव विकास को जो है मापने के लिए जितने ज़्यादा हम चरों को सम्मिलित करते हैं, हमारा डेटा और हमारा जो दृष्टिकोण है वो उतना ही व्यापक होता है। इसीलिए जो है MPI को मानव विकास सूचकांक के रूप में या मानव विकास को मापने के लिए बहुत ही अनुकूल और जो है उचित संकेतक के रूप में जो स्वीकार किया जाता है। तो ये थी जो है मानव विकास सूचकांक, असमानता प्रभाव, लैंगिक असमानता, इसमें जो है लिंग के आधार पर जो है मानव और पुरुष के बीच में किस तरीके से जो है देशों, विभिन्न देशों में असमानताएं हैं जिसको कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 से जो कि 97 में जो है HPI ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स मानव गरीबी सूचकांक के रूप में आया था। तो ये था जो है विकास को जो है आर्थिक विकास को मापने का जो है एक मानक। इसमें कुछ और भी मानकों को समय समय पर प्रयोग में लाया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। अब इसमें एक और चीज आती है कि मानव विकास सूचकांक के लिए भारत में भी प्रयास किए गए हैं, और भारत में पहली बार जो मानव विकास सूचकांक है वो 2002 ईस्वी में जो है प्रस्तुत किया गया। और अगर राज्यों की बात किया जाए तो इसमें जो है मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया। तो ये दो फैक्ट है, यानी कि पहली बार 2002 ईस्वी में और राज्यों में पहला जो है मानव विकास सूचकांक वो मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। मानव विकास सूचकांक के बाद हम भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक 1979 ईस्वी में जो है मॉरिस डी मॉरिस भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक 1979 ईस्वी में मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। इसमें तीन चर हैं, वही जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और शिशु मृत्यु दर। अब इसमें आपको समझ में ये बातें आ रही होंगी कि ये मानव विकास सूचकांक के ही समान है जीवन प्रत्याशा साक्षरता, लेकिन वहां पर जो है कृषि क्षमता के स्थान पर यहां पर एक नई चीज बनाई गई है, शिशु मृत्यु दर को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक 1979 मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पे जो है तीन कारक जो है सम्मिलित होते हैं, इसके मूल्य 1 से 100 के बीच में होता है, वहां पर मूल्य क्या होता था 0 से 1 के बीच में होता था, यहाँ 1 से 100 के बीच में इसका मूल्य होता है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक भी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। क्रय शक्ति क्षमता विधि, ये भी है क्रय शक्ति क्षमता विधि, इसका प्रतिपादन जो है वो IMF के द्वारा जो है किया गया, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बाद में इसे जो है विश्व बैंक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। विश्व बैंक, यद्यपि IMF भी विश्व बैंक का एक जो है पार्ट है, विश्व बैंक 5 महत्वपूर्ण इकोनॉमिक जो है एजेंसीज का जो है समूह है, जिसके अंतर्गत IMF, IBRD, IFC और MIGA, तो 5 महत्वपूर्ण संस्थाएं मिलकर के जो है विश्व बैंक का निर्माण करती हैं। और वर्तमान समय में क्रय शक्ति क्षमता का प्रयोग विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों के जो है आर्थिक स्तर का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये क्रय शक्ति क्षमता विधि होता है कि लोगों के और उनके जो देश हैं उसमें जो इकोनॉमिक लेवल है, स्तर है, उसके द्वारा जो है या उसके आधार पर उस देश की क्या जो है स्थिति बनती है क्रय शक्ति क्षमता के क्षेत्र में। और इसके बाद एक और जो है विधि प्रयोग में लाया जाता है, बहुआयामी जो है प्रत्यागम। तो इसका जो है प्रतिपादन जो है वो हिक्स और पाल स्ट्रीटन,
बहुआयामी जो है, बहुआयामी प्रत्यागम का जो प्रतिपादन है वो हिक्स एवं पॉल स्ट्रीटन के द्वारा जो है किया गया है। इसमें छह महत्वपूर्ण जो है विषयों को जो सम्मिलित किया गया, चरों को सम्मिलित किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीन ही हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता तीन ही हो गया। और अगला तीन ही है, आवास, खाद्य पदार्थ और जल आपूर्ति। तो छह महत्वपूर्ण कारकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है बहुआयामी जो है बहुविधि जो है प्रत्यागम के अंतर्गत जो हिक्स और पॉल स्ट्रीटन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। तो बेसिकली हम लोगों ने चार मूल जो है उपागम का जो है यहाँ पे दृष्टिकोण का अध्ययन किया। एक तो मानव विकास सूचकांक, और दूसरा जो है वो भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, क्रय शक्ति क्षमता, और ये बहुविध उपागम प्रत्यागम या जिसको कह सकते हैं। तो और इसके साथ साथ में 97वीं ईस्वी में HPI जो 2010 ईस्वी में MPI के रूप में बन जाता है। तो ये सभी प्रयास और पहल रहे हैं जो एक अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग कारकों के आधार पर मानव विकास को मापने का प्रयास करते हैं। मानव विकास सूचकांक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और HDI जिसको कहा जाता है, यहाँ से सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका एक जो है अवधारणात्मक रूप में आपको अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे इकोनॉमी के बारे में जो है आपकी बेहतर समझ जो है बनती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आर्थिक विकास को मापने के जो है प्रयास के रूप में जो है विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आर्थिक विकास के मापन का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।